अब दुनियादारी दुनियादारी भाड़ में ऐसा कुछ ना, ये वीडियो अगर मम्मी ने देख लिया ना गलती से तो इतना डांटेंगे। तेरी इच्छा कुछ पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कॉलेज आना ही नहीं चाहिए हमें। मुझे लगता है आज तो ना लेक्चर थे ना कुछ, मतलब अपने काम की जगह नहीं है ये। कभी कभी होती है, आज नहीं है। आज फाइनली हम पहुंच गए पिज्जा हट में। सो गाइस, कॉलेज से मैं और देव सीधा यहाँ पे आ गए पिज्जा हट में। लोकेशन ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हुई। एंड यहाँ पे सीन क्या है पता है, हमें अचानक से ये हरकत सूझी दिमाग में। एंड हमें आइडिया आया कि हमारे पास ये चीज़ है तो इसका यूज़ कर ले जल्दी से वरना एक्सपायर हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। एक्चुअली हम ना फ्लिपकार्ट में से कुछ कर रहे थे ना, कुछ देख रहे थे। एक्चुअली मैं ट्राईपोर्ड का देख रहा था, ट्राईपोर्ड देखना है। एंड फिर हमें मिल गए फ्लिपकार्ट के प्लस कॉइन, एंड उसमें से हमें ये कूपन मिल गया। तो हमने सोचा चलो यार यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स सी क्या देखते हैं। मेन्यू काफ़ी तगड़ा है, मैं तगड़ा ऐसा है कि पानी की बोतल भी 50 की है। बाकी ऐसा है माहौल गाइस, हमने पिज़्ज़ा जो है ना वो पार्सल करवा लिया है, बिकॉज अंदर खाने का थोड़ा मन नहीं था। और क्यों नहीं था वो आगे बता दूंगा मैं आपको। तो लेकिन यार अभी देखो बारिश हो रही है और हम नहीं चाहते कि वापस आज हम गीले हो। तो लेट्स सी, बारिश जैसे ही थोड़ी कम होती है हम निकलने की ट्राई करते हैं। वैसे तो कम हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तो ये मुश्किल से रहेगी। लो जी देख लो, ये 2 घंटे वेट की थी हमने। हमेशा लगा था कि पासिंग क्लाउड अभी चला जाएगा और रेन ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं, इतना वेट किया। एंड ऊपर से फिर ये जो पिज्ज़ा था ये भी एकदम वो ठंडा हो रहा था। तो या फाइनली घर पहुंच गए यार। ये वीडियो अगर मम्मी ने देख लिया ना गलती से तो इतना डांटेंगे कि क्या कर रहे हो ये वो, इतने दिनों से बारिश में भीग रहे हो। तो बस अब यार देखो इतने गीले हो गए, अभी चेंज करना होगा, लेकिन उसके बाद पिज़्ज़ा खाते साथ में खाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके, अब ना हम पूरी बात कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा गुजर रहा है। गुजरा नहीं है अभी कंटिन्यू, अभी दोपहर के 3 बजे। तो सुबह उठे एंड देन उसके बाद कॉलेज गए, बट कॉलेज से आ रहे थे ना जब रास्ते में, तो जैसे नॉर्मल होता है कि घर पे आ गए, घर पे खाना बनाना है या बाहर से खाना है वो प्लान होता है। बट आज ना मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार मेरे पास एक कूपन कोड है जो 250 रुपये का है, एंड नहीं शायद 200 रुपये का था वो, हाँ 200 का था, 61 हमने पे किया था वहाँ पे। तो उससे एक आइडिया आया कि यार क्यों ना आज फ्री का पिज़्ज़ा खाया जाए, बारिश का मौसम भी है एंड फ्री का पिज़्ज़ा मिल जाएगा तो यार क्या एक मज़ा आ जाएगा। तो हम दोनों वहाँ पे चले गए पिज़्ज़ा हट में। एंड वहाँ पे जाने के बाद ना गाइस एक पंगा हो गया कि वो वहाँ के जो काउंटर पे स्टाफ थे, जो सर थे, हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पे। मैं ऐसे इंट्रो शूट कर रहा था कि गाइस हम यहाँ पे आए एंड पिज़्ज़ा हट में आए, तो वो लोग आए एंड कहा कि सर यहाँ पे वीडियो शूट करना या ब्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, आपको हमारी परमिशन लेनी होगी एंड ये वो। तो मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं से पब्लिक प्लेस है ये, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, एंड एक वीडियो ही तो शूट कर रहा हूँ मैं 30 सेकंड, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। तो कहा कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है एंड उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ पे हमें पिज़्ज़ा खाना था, लेकिन फिर हमने वो पोस्टपोन किया एंड फिर हम घर पे पार्सल करवा के आ गए। तो या आप पिज़्ज़ा खाते एंड उसके बाद क्या करते कुछ पता नहीं। देख रहे हो गाइस लाइट भी गई, बट कोई ना यार लोग तो कंटिन्यू रखना ही होगा। तो यार जल्दी से अब क्या करते हैं यार, पिज्ज़ा खाते हैं फिर। देखो अभी कहीं बाहर नहीं जाना है, आप खुद देख रहे हो आपके सामने लाइव में सब कुछ हो रहा है, लाइट चली गई, बादल इतने गरज रहे, तो इसमें कैसे बाहर निकले यार, क्या करें। एंड वैसे भी नींद अधूरी सी है, 3-4 बजे सोया होगा एंड फिर 8 बजे कॉलेज के लिए उठ जाना, तो थोड़ी आंखें भी जल रही। तो अब मैं सो जाऊंगा, कहीं पे भी नहीं जाना। अगर शाम को कुछ ऐसा प्लान होता है तो देखेंगे, बट हाँ अभी के लिए यार थोड़ा ब्रेक लेंगे एंड सो जाएंगे। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, टेक केयर। ये हमने बाहर निकाल लिया पिज़्ज़ा एंड यार बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बिकॉज ये जो ना जुगाड़ से हमने लिया है। वैसे मैं ये खाता नहीं हूँ पिज़्ज़ा, बट यार कूपन कोड ऐसे ही पड़ा था एंड मैंने सोचा एक्सपायर हो उससे पहले हम यूज़ कर लें। तो कोई ना ख़त्म करते एंड फिर सो जाना है थोड़ी देर। A few inches later. आज क्या है ना पूरा दिन बारिश हुई है, तो हम लोगों ने डिस्कशन की कि कहीं चलते हैं। एंड आज रवि भी आया था, राज भी आए, सारे लोग आए, तो हमें कुछ लेना था, तो हमने नाश्ता भी लेना है और मौसम भी तो निकल रहे थे। हाँ तो अब जाते हैं एंड बाइक तो हमने 2 लगा दी है, लेकिन अब कंफ्यूजन है बिकॉज हम ना हमारा कुछ फिक्स नहीं होता कौन सी बाइक ले जाते। तो अब ये इस बाइक में पेट्रोल हो भी सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता है, तो लेट्स सी
जिसमें होता है उसमें लेके निकलते हैं एंड आपको थोड़ा इन्जॉय करवाते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार मैं जामनगर को आपके स्ट्रीट दिखाऊँ एंड काफ़ी सारी लोकेशन ऐसी है तो दिखाऊँ। एंड यार ऐसा मौका ना कभी कभी मिलता है बारिश में व्लॉगिंग करने का, तो ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे एंड निकलते हैं। चलो गाइस, आज से ना 1.5 साल पहले आए थे मैं, विजय, देवेंद्र और ये हमने लिखा था आर यू जो देवेंद्र रविराज और मारू आऊ है बाजी बाजी आऊ है तू भाई मारे हवे छेकाई गयो लौफा वाला दावट आपरा नो हवे छेकाई गयो भाई ना तार होई से हां ई नो तो हां छे हां छे जो क्या लिखा था बॉस ने कुछ स्पेशल नहीं लिखा था ना प्राइवेट लिखा था वही ना दुनिया फिर आटे मुझे पढ़ने दे अब दुनियादारी भाड़ में ऐसा कुछ ना अब दुनियादारी होगी हमारी। हाँ ये तब फ्लो में लिख दिया था उस दिन ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे ना तब मतलब देखो रहे थे कि ब्लॉगिंग करेंगे। हाँ कैफे देखो गाइस कितना शानदार है। ₹300 बहुत ज्यादा होते हैं। तो बोला ना 300 ग्राम फाफड़ा कर दो और बच्चा इसकी जलेबी कर दो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ 300 ग्राम बहुत ज्यादा हो जाएंगे अपने लिए, चार लोगों के लिए। वो रवि भी तो है ना, रवि को क्यों बोल जाते हैं नहीं करना है ना फाफड़ा। नहीं 250 तेरी इच्छा 250 ग्राम फाफड़ा ऐसा नहीं होगा या 300 होगा 200 होगा या 100 होगा 300 तो 300 ही करो और जलेबी भी कर देना एक बार जलेबी तो फिर वो तो साथ में मिलेगा ना जलेबी वो तो सब साथ में आएंगे जलेबी फाफड़ा के अलावा कुछ और है लाइक भजिया समोसा कैफे तो मैंने आपको दिखा दिया, जो काम के लिए आए थे वो भी दिखा देता हूँ। सही आ रहा है ना देख तो आगे से तो मस्त आ रहा है सही आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस दिखा मस्त है। हाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ बिकॉज अपन फूड ब्लॉगर नहीं बनना बट थोड़ा सा दिखाता हूँ भाई। एमटी पड़ी है सामने देखो वैसे तो काफी सिंपल प्रोसेस है, आप वैसे देख ही रहे हो एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गुजराती लोग ही बनाते हैं, आपने भी कभी ना कभी बनाए होंगे खाए होंगे बट हाँ यार जब ये बन रहे होते हैं ना तो देखने में इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड क्या बताऊं गाइस। अभी देखो हम निकल तो आए थे मीन्स जोश पे, वैसे तो लिटरली भूख भी लगी थी और विजय आज ऊपर से जा रहा है उसके घर जा रहा है जयपुर जा रहा है और सब साथ में हाँ सब कुछ साथ था तो हमने कुछ नहीं देखा कि क्या पहना है कैसे लग रहे हो। निकल आया तो हमने लगा कि यार ये सब कुछ आपको दिखाना चाहिए बिकॉज आज से पहले कुछ जामनगर का आई डोंट थिंक कि मैंने आपको कुछ इतना दिखाया होगा तो ये थोड़ा दिखाया। अब क्या करना है यार कि थोड़ा ऐसा मौसम ऐसा है ना तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा, फैमिली वाले भी यही बोल रहे और रखना होगा यार बिकॉज एफिशिएंसी भी तो मेंटेन करनी है कॉलेज जाने के लिए बाकी काम करने के लिए बिकॉज हम दोनों एकदम गीले हो चुके और ज़्यादा देर तक रहे ना तो जुकाम भी हुआ ना यार तो पंगे हो जाएंगे। ठंडा भी ज़्यादा पी लिया था बिल्कुल, कल इसने कुछ स्पेशल पिला दिया था पाइनएप्पल कच्चा, इसी दिन दिखाऊंगा तो यहाँ से निकलते हैं। आज पुलिस ने पकड़ लिया ना तो व्लॉग बन गया अपना। वाह भाई थंबनेल मेड कर दूं तेरा क्या, स्कॉर्पियो आने से लड़ाई हो गई। A few inches later. Guys, इसे ना मैंने लास्ट ब्लॉग में देखा था लेकिन भाई राज वो ब्लॉग प्राइवेट कर दिया मैंने। कोई बात नहीं। क्या वैसे भी फेमस। हाँ। प्यारी समझ गई। देखो गाइस हम ना आ तो गए एंड जो चीजें लाई थी वो आपको वहाँ पे बता दी थी तो ये चीजें हैं बट प्रॉब्लम ये हाँ मीन्स सच बता रहा हूँ ये इसलिए दिखा रहा हूँ इतना सच दर के क्योंकि व्लॉग में आ रहा है वरना हमारा कुछ पता नहीं होता, जैसे तैसे खा लो बस। मैं ये कह रहा था कि अभी ना बारिश ये फर्श पूरा गीला है तो प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि बैठना कहाँ है, हमने देखो यहाँ पे रखा है
अब ये गया है हमारा चेयर लेने। हाँ ये है ना, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है और ये इंडिया की बॉर्डर है, और बीच नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। देयर इज ओनली सॉल्यूशंस, नो प्रॉब्लम। चलो आ जा, इफ यू हैव टू, बस 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 मैं समझ गया, चलने देता। इतना भी अच्छा नहीं है यार,